ABPS News। मुख्यमंत्री जी, एक नजर इधर भी डाल लीजिए, आपके राम राज्य वाले प्रदेश में क्या हो रहा है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद में प्रधानों का नेताओं व अधिकारियों द्वारा जमकर शोषण किया जा रहा है, जिसके संबंध में वर्तमान सरकार व उच्च अधिकारी भी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। जिसके विरोध में जनपद भदोही में दिन सोमवार को भदोही ब्लॉक सभागार में अखिल भारतीय प्रधान संगठन की एक बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में अखिल भारतीय प्रधान संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री भूषण उपाध्याय उर्फ गोपाल ने उपस्थित प्रधानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानों को जांच के नाम पर परेशान किया गया तो संगठन इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय प्रधान संगठन बहुत समय से प्रधानों के हित की लड़ाई लड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रधानों के हितों व अधिकारों में कटौतियां की जा रही हैं। अगर इस पर मुख्यमंत्री द्वारा रोक नहीं लगाई गई तो प्रदेश के सभी प्रधान विकास कार्यों का बहिष्कार कर लखनऊ में आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि सभी सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट हो चुके हैं, वह प्रधानों से अवैध वसूली कर प्रधानों का शोषण कर रहे हैं, लेकिन ये अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। अब अखिल भारतीय प्रधान संगठन के बैनर तले प्रधानों को एक विशाल आंदोलन करने का बिगुल फूंकना पड़ेगा। साथ ही गोपाल उपाध्याय ने बताया कि प्रधानों पर हो रहे शोषण के खिलाफ आंदोलन बिगुल भदोही से ही बजेगा। और उन्होंने कहा कि शीघ्र ही भदोही जनपद में एक विशाल प्रधान महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। बैठक में जिला मंत्री दीपक तिवारी, ब्लॉक अध्यक्ष पवन सिंह साल आलम के साथ सैकड़ों प्रधान उपस्थित रहे। ग्राम प्रधान और उनके सदस्य के द्वारा एक खुली और ग्राम सभा को खुली उसको चयन किया जाता है, सबसे पहली जरूरी चीज। और जो पात्र व्यक्ति है उनका चयन करके उसके यहाँ पुलिस के नाम वाले को फिर उस व्यक्ति का आय प्रमाण पत्र मिल रहा है तहसील से 46,080 रुपया ग्रामीण के लिए, ऐसा ही के लिए 54,000 वो आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र उसका बनना है।